अरे तुम अभी कोई 20 साल के जन्म पाए हुए होगे, कोई 10 साल के जन्म पाए होगे, 10 साल के जन्म पाए होगे, कोई 60 साल के जन्म पाए होगे, 70 साल के जन्म पाए होगे, लेकिन मेरा प्रभु तुम्हारा प्रभु कहता है जन्म होने से पहले हमें मालूम नहीं था कि हमें आशीष करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह को बेचकर हमें बहुत अधिक आशीष देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें सिर्फ शांति पाए, जिसको आता है वो गाए, नहीं आता है रब को धन्यवाद। स्वर्गीय आसमानी प्रभु, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद दे रहे इस समय में हमें दुनिया पर रखा, ये हमारी योजना नहीं प्रभु, हमारे बुद्धि से नहीं प्रभु, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस जगह पर आने का मकसद ये तेरी योजना थी प्रभु, और तेरी योजना यहाँ पर पूरी कर प्रभु। हम बांधते सारे दुष्ट योजना को, सारे दुष्ट कल्पना को, सारे शैतान के बंधनों को हम तोड़ते और बांधते यीशु के नाम, और इस जगह पर तेरा फ्रीडम मांगते, धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते,
उसे आपके हाथ में देते हैं। इस जगह पर हम जैसे बात करते प्रभु, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बात करते, आपकी महिमा यहाँ पर हो। पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाज़रत के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। बैठ जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार जोरदार ताली यीशु के नाम। ये जब हाथ चलते हैं ना प्रभु के लिए, प्रभु बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। ज्यादा ताली बजाने से क्या दिमाग में खुशी आती है, कहती है बजाओ, देखो 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 करो आई क्या खुजली आई, अरे खुजली आई तो बोलते पैसा आता है, लेकिन खुजली आने के बाद प्रभु यीशु का सामर्थ्य आप। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। हालेलुया। मैं बहुत सी जगह पर जाता हूँ और ऑटो के पीछे लेके रहता, मैं तेरे पीछे हूँ। एक श्लोक लिखा रहता है मराठी में, लिखा है मैं तुझा पाठीशी आया। कितने लोगों को मराठी आता है? और मेरे बहन को आता है, मैं तुझा पाठीशी आया। देखो जो पीछे रहता है वो पीछे रहता है, लेकिन जो साथ में रहता है वो प्रभु हमारे साथ है, वो जीवित है, और जीवित परमेश्वर किसी का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम भी जीवित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन लोग बोलते क्या मालूम मेरे साथ है कि नहीं, क्या मालूम, प्रभु तो कहता है, वचनों में लिखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन वचन कहता है, वचन झूठ नहीं है, वचन सत्य है। आमीन। यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और यीशु मसीह है। सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें बंधन से आजाद है ना। कितने जन आजाद है बोलो? हालेलुया। ऐसा मत करो, शैतान बोलेगा ये इधर ही है। ऐसा करो जोर से ऊपर से, हालेलुया। अरे शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ विजय हुआ मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। जितने भी लोग बोलेंगे ना अमीर अमीर बोलते रहो, अमीर होने वाले हैं, नहीं भी होंगे ना अमीर है, ऐसा बोलो, क्या बोलो, बोलो मैं अमीर हूँ, बोलो ब्रदर मैं अमीर हूँ यीशु मसीह में। हालेलुया। लोग बोलते पैसा नहीं है आमिर कैसे, मेरा घर नहीं आमिर कैसे। अरे जो महान प्रभु हमारे इधर रहता ना वो सबसे आमिर प्रभु। हालेलुया। वो गरीब बना, एक छोटे से जगह पर जन्म लिया, जहाँ पर गंदगी थी, जहाँ पर सुगंध गंदा बास आ रहा था, वहां पर उसने जन्म लिया ताकि तुम्हारे जीवनों को मेरे जीवनों को आबाद कर सके और इतना आशीष दे सके कि कभी भी कोई आशीष छीन के नहीं ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेरे वंश से बाहर निकालता हूँ और तू जहाँ जा जाएगा मैं तुझे क्या कर दूंगा, बोल क्या कर दूंगा, बोलो भाई बोलो बच्चे क्या कर दूंगा। और जो कोई तुझ पर आग लगाएगा मैं उस पर आग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? अरे बोलो उसको आशीष। हालेलुया। झगड़ा होता तो कैसे जल्दी शॉक हो क्या रे, इतना आग लगा दे। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि स्तुति पर जो भी कुछ है वो मेरा है। हालेलुया। 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 हमने पूरा कब्जा करके रखा था, पूरा लपट लिया था, मेरा मेरा करके सब लपट लिया था। एक ऐसी चेयर पर बैठा था जो तू तेरी मेरी थी। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ क्या नहीं? हुआ ना। तीसरे दिन जीवित हुआ
लेकिन उसके पहले तीन दिन कहा था कबर में था, कबर में नहीं था। वचन पढ़ो, वचन में ऐसा लिखा है वो अधोलोक में गया, जिस जगह पर वो दुष्ट बेटा था उस दुष्ट को किक मारा, कंबर में किक मारा, पैरालाइज कर दिया और निकाल दिया। जो आदम और हवा ने अपने आजीदार को बेच दिया था, आशीष को बेच दिया था, वो उनके हाथ में निकल गया था, वो सब ले लिया और तीसरे दिन जी उठा और कहा ये तुम्हारे लिए मेरी चाबी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये चाबी ऐसी वैसी चाबी नहीं है, हर ताले को खोल दिए, प्रेज द लॉर्ड, गरीबी के ताले को खोल दिए, बोला आमीन, बीमारी के ताले को खोल दिए, बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार बोलते लोग मेरा दर्द तो जाता नहीं है, चाबी नहीं तो दर्द कैसे जाए। मैं चलता हूँ, प्रार्थना तो बहुत किया, पास्टर ने किया, ब्रदर ने किया, इसने किया, उसने किया, जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता मालूम है? चाबी। हालेलुया। जो कुंजी, जो चाबी, जो शैतान ने आदम और हवा के द्वारा ये ली थी, यीशु मसीह ने फिर से ले ली और उसने बोला निकल। तो अभी शैतान हमारे ऊपर कब्जा करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि यीशु का पवित्र लहू, उस पवित्र लहू से हमें छुटकारा। यीशु मसीह की जय। अरे वाह, ये चार्जिंग है, अब चार्ज हो रहा है। ये टीचर, ये प्रभु है, ये राजा है कि जिसने मुझे और तुम्हें एक कुक की दी है, चाबी दी है और उसका इस्तेमाल हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे इस्तेमाल करना है? वो चाबी लेना है और लॉकर को खोलना है, अंदर के लॉकर क्या करना, समझ में आया? और वापस कभी देखना नहीं उसको। लेकिन ऐसा करने के लिए नहीं बोला प्रभु ने, वो चाबी लॉकर के अंदर मत रखो, वो लॉकर से बाहर निकालो, अपने हाथ में रखो। तुम जा भी जाओगे उस चाबी का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो आजादी की चाबी। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु कहता है तुम जहां जाओगे, अब्राहम को बोला, मेरा भी बताया ना अब्राहम को, जहां जा तू जाएगा वहां वहां तुझे मैं आशीष करूंगा। आज हमें भी प्रभु आशीष। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूहन्ना का एक बार पढ़िए, पढ़िए सब जन पढ़िए, जॉन चैप्टर 1 और 2, जॉन चैप्टर 1 और 2। इसका मतलब बच्चे और बच्ची। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितनों ने, अच्छा क्रिश्चियन लोगों का नाम लिखा गया उधर नहीं, कोई दूसरा पर्टिकुलर नाम लिखाया गया नहीं, कितना क्या बोला है? जितनों ने यीशु मसीह को यहाँ पर स्वीकार किया है उतनों को, बोलो बोलो बोलो, उसका बेटा और बेटी, बेटी होने का अधिकार हक दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम कमजोर गिर जाते हैं शैतान के पीछे, हम बेटी है, बेटा है, कैसा होना चाहिए? आवाज भी कैसा होना चाहिए? स्पीकर की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ऐसा आवाज होना चाहिए कि शैतान हिलना चाहिए, वो आराम है, कुछ नहीं करेगा और उसको पैरालिस चिल्लाएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, पकड़ेगा लेकिन हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हम लहू से कवर किए गए हैं। उसका कीमती लहू हमारे पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए बहा गया है, वो लहू उसको लहू के द्वारा भाग गया है। उसी लहू में सामर्थ्य है। एक दिन मैं लहू के बारे में, मैं विषय पर अभी तक नहीं आया हूँ भाई, मेरा विषय अभी बहुत बाकी है, लेकिन मैं अनुक्रमानी का दे रहा हूँ। एक वीडियो में देख रहा था यूट्यूब में, तो वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने यीशु मसीह का लहू उस कालोरी के नीचे कहीं तभी मिल गया, अपना लहू अगर निकल गया, सच तो अगर तुम जाएगा तो लहू निकल गया, समझो नीचे गिर गया तो मर जाएगा ना,
लेकिन यीशु का लहू साइंटिस्ट लोगों ने डिटेस्ट किया, अच्छी तरह से देखा, उसमें जीवित और जीवित पना था। हालेलुया, हालेलुया, जीवित जीवन उसके अंदर दिखाई दिया। वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हमारे सबके ऊपर है, इसलिए शैतान डरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे वैसे हम आदमी नहीं है, ऐसे ऐसे स्त्री नहीं है जो इसमें ऐसे प्रभु का वचन नहीं देती इतनी बड़ी होकर। वो कहती कि मैं आज 70, 80, 89 भी हो गई तो भी बुढ़ी नहीं दिखूंगी। क्योंकि प्रभु का आत्मा और प्रभु का लव उसको चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, आज हमें भी प्रभु का लव, प्रभु का लव, प्रभु का लव चलाता है, और उस लव में सब कुछ, उस लव में छुटकारा है, उस लव में चंगाई, उस लव में पूरी रीति से सामर्थ्य है, और वो लहू हमारे जीवन को लगाता है। हालेलुया, कितने जन सुबह उठ के बोलते कि प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू मेरे शरीर पर लगाता हूँ, मेरे परिवार पर लगाता हूँ, मेरे मेरे घर पर लगाता हूँ, मेरे मेरे खाने पे लगाता हूँ, मेरे सारे चीजों पे। कितने लोग बोलते एकदम सच्चे दिल से, वो देखो मैं लगा, वो ही भाई लगा, ये तो लोग तो भाई लगा, क्यों बता रहा मालूम, ये लहू में सामर्थ्य है। और प्रभु हमारे जीवन को यही चलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे रथ के अंत तक तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं, वो लहू के साथ में चलता है। हालेलुया, अगर वो लहू साथ में चलता है तो लहू को हमारे जीवनों को लगाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तेल और पानी का कुछ बात नहीं करूंगा। हाँ, तेल लगाना है फिर पानी फेंकना है। मैंने देखा है बहुत से पास्टर लोग अगर कोई कुछ नहीं होता है ना, सर पर जोर जोर से मार, वो भी नहीं करता। लहू में सामर्थ्य, हालेलुया, हमारे में सामर्थ्य, हालेलुया, और वह सामर्थ्य कार्य करता है तुम्हारे अंदर मेरे, हालेलुया। इसने मैंने कहा कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उतनों को उसका बेटा होने का, हालेलुया। और वो प्रभु हमारे द्वारा कार्य करता है, और उसी द्वारा हमारा जीवन के द्वारा प्रभु महिमा पाता है। और इसलिए आज प्रभु ने यहाँ पर मुझे भेजा है वो उसका कार्य करने के लिए। मेरा मिनिस्ट्री का कार्य नहीं, ये भाई का मिनिस्ट्री का कार्य नहीं, वह किसी के घर का कार्य नहीं, यीशु मसीह का कार्य। हालेलुया, क्योंकि जितनी बार प्रभु को तुम ऊंचा उठाओगे उतनी बार प्रभु तुम्हें सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है आइज़ा चैप्टर 43:21 पढ़िए जल्दी से। आइज़ा 43:21 क्या लिखा है? आइज़ा एशिया, सॉरी एशिया, पढ़िए जल्दी जल्दी 43:21। મેં આ લોકને મારા પોતાને માટે બનાવ્યા છે, હા, તેઓ મારી સ્તુતિ ગાશે। આમેન, બોલો ક્યા બતાય, મારા માટે, ઇસકા મતલબ હે પ્રભુ કે લિયે। તુમ કિસકે લિયે? પ્રભુ કે લિયે। હમ ઇતના સ્તુતિ આરાધના કિયા, કિસકે લિયે કિયા? પ્રભુ કે લિયે। પ્રભુ કો ક્યા ચાહિયે તુમ્હારે સે? સ્તુતિ હમને ચાહિયે, સબ કુછ ચાહિયે, બોલતા સ્તુતિ આરાધના, आराधना दो, स्तुति दो। वो स्तुति इसलिए दो क्योंकि मैंने इसलिए तुम्हें बनाया ताकि तुम मेरी स्तुति और आराधना करो, ताकि मैं तुम्हें आशीष दूं। हालेलुया। उसमें पढ़ो 43:3-4 पढ़ो, क्या लिखा है देखो। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र परमेश्वर हूँ। हिंदी में किसके पास है? हिंदी में हिंदी को वाचना पड़ा, वाचना पड़ा हिंदी में, हिंदी निकालो 43 का। इधर ऐसा लिखा है कि हिंदी में ऐसा लिखा है कि तू मेरे दुष्टी में अनमोल है। उसका अगर ट्रांसलेट देखेंगे मूल्यवान है, उसका ट्रांसलेट और देखेंगे इधर क्या लिखा है? मूल्यवान, वेरी वेरी मूल्यवान, बहुत कीमती। यीशु मसीह ने उसका लहू कीमती लहू दिया, और आज तुम और मैं बहुत कीमती हो। हालेलुया, ऐसे कीमती हो करोड़ों रुपया भी तुम्हारे सामने डालेंगे ना तो करोड़ों रुपया फेल हो जाएगी, उससे भी कीमती तुम होगी। बोलो यीशु मसीह की जय। ये कीमती प्रभु और कीमती जीवन हमारा है तो क्यों चिंता करके अपनी आयु को बढ़ाते हो?
प्रभु का वचन कहते हैं क्या खाना है क्या पीना है क्या पहनना है इसकी व्यर्थ चिंता मत करो। और हम वही करते हैं, सुबह उठने के बाद क्या खाना पकाऊ, मेरे बच्चे को क्या दू, मेरी बेटी को क्या दू, बाकी सब बाजू में, ये चिंता नहीं करनी। चिंता करनी है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, मुझे कैसा तैयार होना है, मुझे कैसा तैयार होना है, मैं कैसा तैयार हो जाऊं और प्रभु के लिए क्या करूं। जितनी बार तुम प्रभु के लिए कुछ करोगे उतनी बार तुम्हारे लिए प्रभु कुछ करने वाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है, तुम मेरा घर बांधो तो मैं तुम्हारा घर बांधूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक कहानी बताकर मेरे विषय में आ जाता है। एक व्यक्ति था और उसके घर में बहुत परेशानी थी और रोज रात में वो सोता था। बड़ा बंगला था, जैसा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ऐसा पूरा बंगला था। उस बंगले में वो अकेला रहता था और पूरे दिन अच्छा रहता था, लेकिन रात में क्या होता था, दो ढाई बज गया तो दरवाजा जोर जोर से ठोकता था कोई। ये आता था, देखता था, दुष्ट शैतान सामने दिखता था, वो आपस दरवाजा बंद करता था पर वापस अंदर निकल जाता। एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास ध्यान है, मेरे पास है प्रभु के वचन पास है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा क्या, वो जब दो बार ऐसा हुआ, तीसरी बार हुआ, एक दिन ऐसा बुला रहे, हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को घर में बुला लिया। वो प्रार्थना किया, यीशु मसीह को घर में बुला लिया और टॉप फ्लोर का जो रूम था वो अच्छा साफ क्लीन बीन करके वो घर में यीशु मसीह को रख दिया। उसके बाद रात तो दो बज गया, इसको लगा अभी मस्त बेकी में अभी सो जाएगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे घर पर आया है, शैतान भाग जाएगा। देखो फिर वापस वैसा हुआ, वैसा होने के बाद क्या हुआ मालूम है, हेलो क्या हुआ मालूम है, वापस ऐसे हुआ। अरे बाप रे क्या हुआ, फिर यीशु मसीह को वापस सुबह उठते गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसा हो रहा है, बेटा तूने मेरा ऊपर का रूम दिया, दूसरा रूम नहीं, दूसरा भी रूम दिया, फिर उसके बाद तीसरा भी रूम दिया तो भी ऐसा नहीं हो रहा है। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने आखिर में उसको बोला, बेटा ये सारा घर मेरे नाम पर अभी तक नहीं। हालेलुया हालेलुया। और जब उसने ये घर नाम पर किया तब रात को दो ढाई बज गए और आवाज आया, जो घर का मालिक था वो बोला, अरे मैं क्यों उठू, ये मेरा घर नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और जब यीशु मसीह डोर पर आया, डोर खोला, शैतान ने देखा यीशु मसीह को और कहा, नो एंट्री। हालेलुया। समझ में आ रहा, समझ में आया, नो एंट्री, मैं इस घर में नहीं जा सकता क्योंकि इस घर में कौन रहता है, बराबर इस घर में कौन रहता है, घर में कौन रहता है, क्योंकि करिन्थ में लिखा है, पहले करिन्थ में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर, 3:16 में है ना, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे में, और जो कोई उस आत्मा का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। हमें प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। दो दिन के लिए मत रहो, चार दिन के लिए मत रहो, साल दो साल के लिए मत रहो, आनंद काल तक रहो ताकि तुम्हारा जीवन स्वर्ग में भी आनंद और इधर भी आनंद। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरे विषय पर आता हूँ, कुछ वचनों को हम देखेंगे, मेरा अभी टॉपिक चालू होगा। हालेलुया। मेरा भी प्रभु का टॉपिक चालू होगा, सॉरी मैं बीच में अगर बोलता हूँ तो मुझे कहो ये तुम्हारा नहीं है प्रभु का। हालेलुया। प्रभु का वचन अभी चालू होगा, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि उसका जीवन प्रभु ने कैसा बदल दिया। मार्कुस इसका 10वां अध्याय और उसका 46 वचनों से हम पढ़ेंगे। मार्कुस चैप्टर में तेओ यरिको में आवे से, हां यरिको में आवे से, बराबर चलो मैं सीख लेता हूं। हां हमें यरिको में थी ते तथा मेरा शिष्यो तथा घना लोग निकलता। हां यारे तिमाई नो दिखरो बात, हां तिमाई नो दिखरो। हालेलुया हालेलुया। सीख जाएगा पास्टर, मैं सीख जाएगा आठ दिन। तिमाईरा टिप पुत्रो टिकरो टिकरो बातमाई जे आंद्रो भिखारी आंद्रो भिखारी है सर। हालेलुया हालेलुया। क्या था वो भिखारी? हमारे मुंबई में, मुंबई इधर एक नहीं मालूम है, सड़कों पर भिखारी मिलते, देवना बाबा
देवना बाबा सब नाम से भीख मांगते, हजारी जाओ उधर भी भीख मांगते, गेट ऑफ इंडिया में जाओ उधर भी भीख मांगते, हर जगह पर भीख मांगते। और बहुत से ऐसे भिखारी है कि उनका इनर मर चुका है और इतने 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 बेशरम होते हैं, ऐसा बोले तो कितना भी बोले जाओ नहीं 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 जाऊंगा, दो ना इसके नाम से दो, उसके नाम से दो, इसके नाम से। मुझे बताओ यीशु मसीह के नाम से आज तक किसी ने भीख मांगी नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। बोलो नहीं, नहीं, नहीं मांगी। दे दो यीशु के नाम से, दे दो प्रभु यीशु के नाम से, दे दो नहीं। बोलो किसने? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो गरीब को अमीर बना देता है, वो प्रभु है। ये अंधा है, उसका बाप भी अंधा था, मिशनरी में जाएंगे ना उसका देखेंगे, उसका बाप भी अंधा था। ऐसा तीन चार पीढ़ी से स्टाफ में था, अंधा 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 जीवन में था, उसको कोई भी दुनियादारी मालूम नहीं थी, कोई तो भी लेके आता था वहां जगह पर बिठाता था, जगह पर क्या है कैसा है किस तरह का जीवन है वो कभी नहीं देखा उसने। और हम भी कभी कभी बैठ जाते हैं, है ना? वचन में ऐसा लिखा है, जादो या तीन जमा हो मैं हुआ दिन। और यहाँ पर हमारे इधर दो या तीन जमा होने के बाद इधर की बातें चलती है, वाह वाह बहुत बातें चलती है। अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो प्रार्थना करता है लेकिन मैं उसके साथ नहीं बात कर सकता, नहीं 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 बहुत खड़ूस आदमी। अभी मैंने बोला जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उतनों को उसका बेटा होने का अधिकार दिया, और हम क्या बोलते नहीं मुझे बात नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? क्या हम प्रभु में आने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है? यहां पर ये तीन चार पीढ़ी के श्राप से पूरी तरह से वहां पर बेटा है, उसके जगह पर क्या है क्या नहीं उसको कुछ भी मालूम नहीं, इतना परेशान हो चुका है, सिर्फ उठा के ला के रखना है, शाम को वापस लेके जाना है। अरे कटुरा है, एक शाल होगी, गंदे कपड़े होंगे, गंदगी इसके अंदर इतनी भरी हुई थी कि लोग उसके बाजू से भी जाते होंगे तो लंबे से पैसे फेंकते होंगे। हम गंदे लोगों के आसपास रहते हैं कभी? अरे छी कितना 10 दिन से ये नहाया नहीं है छी, ऐसा बोलते ना। ये जो व्यक्ति है ऐसा ही था, उसका बाप भी ऐसा ही था, वो मर गया था लेकिन इसको पेट चलाने के लिए वो काम करना पड़ता है भीख मांगने। आगे पढ़िए, हमें यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ यस हालेलुया, बस बस क्या लिखा, इसको कैसा मालूम पड़ा? भैया कर सिमोन, सॉरी भूल गया, सिमोन भाई ने बताया क्या जाके? कोई तो भी बताया कि यीशु नाजरत के यहां से जाने वाला है। हालेलुया हालेलुया, यीशु नाजरत के यहां से जाने वाला है। और उसने वो खूब सुना यहां से जाने वाला, मेरे को लगता है वो वहां पर होगा, थोड़ा हटके इधर आया होगा, मेरे को लगता है बाइबल ने कहता है, मेरे को लगता है यहां से थोड़ा इधर आया होगा कि यहां से जाए। और क्या पुकारने लगा? यीशु नाजरत हे दाऊद के, बोलो बोलो हे दाऊद के, अरे हम भी बोलो ना, अच्छा है ना हमको भी बोलने के लिए, बोलो हे दाऊद के संतान यीशु मसीह उस पर दया कर। यहाँ पर वो कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, और दूसरे लोग आ गए, बस 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 वो से मिनिस्टर आते ना कभी कभी जाते रास्ता बंद कर देते वगैरह वगैरह। ये हमारा प्रभु राजा भी था, मस्त जा रहा था, अच्छा उसके चेले पीछे थे, यीशु मसीह आगे निकल गया, उसने नहीं देखा लेकिन चेले चिपट, यीशु मसीह को मत कुछ बोलो। ऐसे लोगों ने उसको क्या किया? चुप किया। चुप करने के बाद उसने अपना मुंह को बंद नहीं रखा, अरे लिया सुबह प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद, दोपहर को प्रार्थना छोड़ दिया, शाम को
करें तो करें, प्रभु धन्यवाद देते हैं सुबह से अभी तक, समाला धन्यवाद देते हैं क्योंकि मालूम नहीं सुबह से अभी तक क्या हुआ, मुझे भी मालूम नहीं, धन्यवाद देते और खाने के बाद खाने के ऊपर प्रार्थना भी नहीं, और सोने के बाद तो सोने के बाद तो प्रार्थना ही नहीं, उठा ले तो उठा, नहीं तो उठा ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर इसका एक ही मकसद था, भीख मांगना नहीं था, उसको उस भिखारीपन से मुक्ति चाहिए थी। हालेलुया हालेलुया। आज भी हमारे जीवनों को मुक्ति चाहिए यीशु नाजरत के नाम से, छुटकारा चाहिए यीशु नाजरत के नाम से, हमें पुकारना बहुत जरूरी है। आमीन। एक बार नहीं, बार बार, लगातार। हालेलुया बस मिल जा रहे, धन्यवाद यीशु। खाना खा रहे, धन्यवाद यीशु। काम करे, धन्यवाद यीशु। बर्तन मान रहे, धन्यवाद यीशु। आटा गुन रहे, बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। करते क्या, प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ अच्छा होता है, तंदुरुस्त रहोगे आप। हालेलुया। इस व्यक्ति के जीवन को बदलना इसको जरूर था, क्योंकि ये परेशान हो चुका था, अपने जीवनों को परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, उसका पिताजी भी मर गया, उसका दादा भी मर गया, उसका परदादा भी मर गया, और वो अकेला था। उसने ट्राई किया कि देखे कि यीशु मसीह कौन है, ये क्या कर सकता है। आगे क्या लिखा है जल्दी से पढ़िए। देखो क्या क्या करने लगा, बोलो बोलो, जोर जोर से। कितना लोग जोर जोर से पुकारते यीशु को। आमीन आमीन आमीन। सिर के लिए तालियां, अपने पुकारना बहुत जरूरी है। मत्ती साथ साथ क्या कहता है, मुझे पुकार, क्या कहता है, मुझे पुकार ताकि मैं तेरी पुकार को सुन, तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हमारी पुकार, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मैं दीन हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं कंगाल हूँ, हे प्रभु क्या करने 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 मत कर। उनको ऐसी प्रार्थना करते ना, कभी कभी मेरे को ये लगता है कि प्रभु मैं आए काहे के लिए। ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के बाद भी वही प्रॉब्लम। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु के राजपुत्र राजकन्या है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसने वहां पर लिखा है वो पुकारने लगा। हालेलुया पुकारने लगा। इस टॉपिक के ऊपर आगे फिर से एक बात करते हैं। अपने को प्रभु ने कितना घंटा दिया, 10% कितना देना आपको, पैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो बोलेगा पास्टर लोकल में पैसा मांगने दो घंटा 40 मिनट किसको देना है, प्रभु को। हम कितना देते, 10 मिनट किधर है कैलेंडर, कैलेंडर पहले बच्चों को पढ़ेंगे आएगा बाय बाय। प्रार्थना भी नहीं, लहु मिलने लगा थे भाग्य। हालेलुया पुकारना बहुत जरूरी है। नहीं पुकारते हैं तो मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं प्रभु में आके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं। पुकारने वाले लोग बोलो, बोलने वाले लोग बोलो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक दूसरे का भी उद्धार नहीं होगा और हमारे जीवन में आशीष भी नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं पुकारने लगा, पुकारने लगा, बोलने लगा, बोलने लगा, हे यीशु, हे दाऊद के पुत्र, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग छुटकारा मिलने के बाद, चंगा मिलने के बाद 2 हफ्ता आएंगे, तीसरा हफ्ता बोलेंगे बाय बाय, बस क्या बोलेंगे, मेरे को अभी चंगा मिल गए, मेरे को प्रभु नहीं चाहिए, मैं जो हूँ मेरे सिवा कोई नहीं। अरे माटी के पुतले, तुझे इतना क्या घुमार है। हालेलुया। अरे मट्टी से आया, मट्टी में जाने वाला है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुझ में जो है वो कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। पुकारना पुकारना बात करना बहुत जरूरी है हमारे स्वर्गीय पिता को। हालेलुया। और उस यीशु मसीह को जिसने हमें उद्धार दिया है, उस यीशु मसीह को जो आज भी हमारे साथ है, वो यीशु मसीह को वो स्वार्थ नहीं देखता है। हालेलुया। हम स्वार्थ देखते, प्रभु अगर तू प्रार्थना सुनेगा ना, मैं तेरे लिए ना ऐसा करूंगा,
नहीं बाद में बताओ कमिटमेंट प्रभु के साथ व्यवहार कर देते। प्रभु बोलता है भाई तेरे पास था कुछ है और जो तेरे पास है वो भी मेरा है। क्योंकि तुझे मैंने है मेरा लहू बहाकर खरीद लिया है। और कितना गुमान है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा घर सब इधर उधर कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। पुकार ये जो है वो बहुत जरूरी है। डेली बोलना हालेलुया पुकारते रहा और बीच में एक जन बोला चुप ना यार अभी इधर कोई बोलेगा नाने भाषा में रोवा शाम ना वर्षा करे बाजू बोलेगा क्या चिक चिक कर रहा है रे बाबा क्या बात कर रहा क्या मान चुप बैठना बाबा। अरे वो कर रहे ना प्रभु के साथ बात वो शैतान को मालूम नहीं ना तेरे को भी मालूम नहीं इसलिए वो उसको कुट कुट कर रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे को मालूम हो जाएगा तो तू बोलेगा दूसरा बोलेगा तेरे को कुट तब क्या करेगा। हालेलुया हालेलुया। पुकारना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु कहता पुकार ताकि मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। और यरमयाह 33:3 ये टेलीफोन नंबर है अपना लिख के रखो कभी भी मत निकालो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। 33:3 क्या लिखा है मुझे पुकार क्या बोला yes. देखो बहुत अच्छा वचन है। इस वचन के ऊपर मैंने बहुत ही प्रभु का अनुग्रह पाया। मुझे पुकार ताकि मैं तुझे गहन गुप्त बातें बताऊं। हालेलुया। अरे दुनिया के पास भी नहीं है चीज वो गुपित काम करते हैं पाप भी गुपित करते हैं देना भी गुपित करते हैं कुछ भी करते गुपित करते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पुकार ताकि मैं तुझे उत्तर दूंगा और गहन ऐसी बातों को बताएगा जो दुनिया नहीं बताएगा। वो प्रभु हमारा है वो यीशु मसीह हमारा है वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा डेली हमको उत्साहित करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी उठ मुझसे बात कर। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग 3 बजे उठकर प्रार्थना करते मैं आज से तुमको आदत लगाने वाला नहीं हूँ प्रभु लगाएगा। हालेलुया। मैं तुमको कुछ नहीं बोलने वाला प्रभु बोलने वाला है। इसने प्रार्थना किया प्रभु इनके मुख के द्वारा तू बोल बोला ना अभी मैंने बोला प्रभु बोलने वाला है। तुम अगर 3 बजे प्रार्थना करने को उठोगे देखो क्या सामर्थ्य हालेलुया क्या शक्ति मिलती है। हम कितने भी थकावट महसूस किया होगा तभी तुम तंदुरुस्त होगे। हालेलुया। मैं होटल में सो रहा था ये भाई आकर गए मैं बोला थोड़ा नींद ले गए सुबह में जल्दी उठा था एयरपोर्ट में भी जल्दी आके बैठा क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। हालेलुया। और मैं एरोप्लेन से आने के बाद मैं देख रहा था कि प्रभु कितना महान है उसने कितना आकाश को और बादल को किस तरह से रचा है। मैं बहुत खुश हो रहा था मैं नींद भी नहीं लिया प्लेन में भी वो देखता रहा मैंने फोटो भी निकाला था। इसका मतलब इतना महान प्रभु है उसको कितना पुकार कर कितना धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया जी होना चाहिए शुक्रिया। इसीलिए ये पुकारता रहा क्या करते रहा क्या करते रहा पुकारता रहा। आप कैसे पुकारते मुझे नहीं मालूम किस तरह से पुकारते मुझे नहीं मालूम। कभी कभी क्या होता मालूम है पास्टर आप पुकारो और आप ही बात करो आप मेरे पास्टर हो आप मेरे ब्रदर हो आप मेरे सब कुछ हो आप करो ना। प्लीज द लॉर्ड और हम क्या करेंगे ऐसा नहीं होता है। हम अगर हमको कुछ चाहिए या हमारे बेटे ने हमको कुछ मांगा हम क्या करते हैं जाते हैं बेटा बाद में देखता ऐसा नहीं खोल देते उसको तुरंत जाके देते हैं। इसने पुकारा आगे 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 पढ़ते रहो जल्दी जल्दी से क्या करने को बोला नया दया कर। हालेलुया क्योंकि वो दया का सागर दयालु है कृपालु है दया का सागर है उसको मालूम है मुझे किसी को क्या देना है किसको क्या नहीं देना है। हालेलुया। ये गाना याद आ रहा है अच्छे बीच में आपके मेरे को गाना बोलने का अच्छा अरे मांगने से ज्यादा फिर पूछने से अच्छा मैंने पाई है
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमने मांगा भी नहीं कुछ नहीं। देखो मुझे बताओ, परमेश्वर को तुमने चुना, यीशु मसीह को तुमने चुना क्या? नहीं नहीं चुना क्या? नहीं चुना। किसने किसने चुना बताओ? किसी ने चुना ना? वो कहता है मैंने तुम्हें चुना। उसके लिए ताली बजाओ। यीशु मसीह के लिए ताली। किसने चुना? मुझे चुना है। किसने चुना है? क्या उसको पुकारना चाहिए? उसको बोलना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम उसे बोलना चाहिए। पास्टर को बोलो बहुत अच्छा है, मुझे बोलो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, हम प्रार्थना करें। लेकिन हमने भी कुछ करना है। दो मित्र थे जैसे भाई और मैं, ये भाई ने और हम बचपन से रह रहे समझो, ये भी एक थाली में खा रहे, मैं भी एक थाली में खा रहा हूं। एक दिन बीमार हो गए भाई, मैंने बोला भाई चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, समझ लेना मैं जो उदाहरण बताता हूं समझ लेना। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने दवा दी, ये सुबह दोपहर शाम लो, ये भाई बोला चलो बाहर गोली ले ली, और लेने के बाद बोला भाई तुम बचपन से लेके मेरे साथ हो, एक थाली में खाए हो, अब ऐसा करो ना ये गोली तुम खाओ ताकि मुझे क्या होगा? ऐसा होता है किसी के कंधे पर बंदूक रखते हैं, बोलते प्रार्थना करो ना। हमको कुछ नहीं करना है, हमको पुकारना नहीं है। अरे वो कहता है पुकारो, वो कुछ नहीं चाहता तुमसे, तुम्हारा धन दौलत सब कुछ यहाँ पर है। वो तो वो कहता है तुम्हें पुकारो, इस बुक से पुकारो ताकि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे घर का प्रॉब्लम निकल जाएगा, तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी, तुम्हारे घर के जितने भी प्रॉब्लम है निकल जाएगा, आस पास के लोग बदल जाएंगे हमारे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो वही क्वेश्चन और दे, निकालना सिर्फ बताओ मत्ती 5:16 क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा उजाला, चलो उजाला तुम्हारे सामने, लोगों के सामने, सॉरी किसके सामने? लोगों के सामने। कौन से? विश्वासी नहीं, अविश्वासी, अविश्वासी तुम्हारे उन लोगों के सामने ऐसा रखो पावरफुल। हालेलुया। कभी भी बोलते समय ना डरते नहीं बोलो, मेरा यीशु मसीह ना आया तो था का देखो, आया था, मारा गया था, जीवित हुआ था, स्वर्ग में गया था, और फिर से आने वाला है, मालूम नहीं। विश्वास करना है, करो नहीं तो मत करो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो यीशु मसीह मारा गया तेरे और मेरे लिए, वो जीवित हुआ तेरे और मेरे लिए, वो आने वाला है तेरे और मेरे लिए। विश्वास रख ताकि मुझे जो प्रकाश मिला है, जो उजाला मुझे मिला है, वो तुझे भी मिलेगा। तेरा उजाला लोगों के सामने ऐसा रख कि तेरे अच्छे काम को देखकर परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की महिमा हो। तो बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलो यीशु मसीह की जय। ये प्रभु है, ऐसा ऐसा करके रखा हुआ प्रभु नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नाचने वाला वहां पर कुछ प्रभु नहीं, कुछ करने वाला प्रभु नहीं है, वो समर्पण। हालेलुया। जिसने समुद्र को डुबाया, रास्ता निकाला, 40 साल इस्राएल लोग घूमे, कितना दिन का रास्ता था? 11 दिन। कितना? 11 दिन। चक से जाते थे लेकिन ये ऐसा ही था, पुकारते नहीं थे, खाना मिल रहा है ना बस हो गया, खाना मिल रहा था, और नहीं मिला तो बोलते मूसा, हे मूसा किधर है तेरा परमेश्वर? हे मूसा कहाँ है पानी? हे मूसा कहाँ है लाइट? कितना परेशान सर, कितना परेशान। देखो ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, ऐसा होता है कभी कभी। बोलते पास्टर हम तो प्रार्थना करते कहा है तुम्हारा परमेश्वर? होता ही नहीं कुछ। विश्वास बहुत जरूरी है। राई के दाना इतना विश्वास, राई क्या बोलते है ना, चलो उसके वो इतना विश्वास भी अब तुम करोगे तो बाहर से बोले और किधर जाए समंदर में, इतना भी विश्वास नहीं। कभी कभी विश्वास कमजोर हो जाता है,
प्रॉब्लम आने के बाद कमजोर होता है। मैं ये कहता हूँ जैसा इसने पुकारा, क्योंकि उसे मालूम था मेरे जीवन को बदलना 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 बस इधर थान ली। हालेलुया। और जब हम थान लेते ना माइंड में तो कुछ भी कर सकते। Yes. प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा मेंदू दिया है, छोटा सा, कितना छोटा, कितना वाले में 250 ग्राम, लेकिन वो सबसे तेज है। हालेलुया। रॉकेट उड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसने पुकारा। आगे आगे पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ, क्या करने लगा? बहुत जोर जोर से पुकारने लगा। जाने दो आज क्या होने वाला, देखने दो, क्या मुझे मारेंगे तो मारने दो, मुझे कुछ करना है करने दो, लेकिन मैं मेरा तो छुटकारा चाहिए बस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा देर खड़ा रहिए, थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जल्दी से फटाफट फटाफट, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम थोड़ा दिया जाए, उतना उतना टाइम उतना ही मिलेगा, मैं 12 बजे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने बोलो क्या बोला वो, सुनो क्या बोला वो, उतना दिख रहा हमारा पर दया कर। हाँ क्या बोला? मुझ पर दया कर, बोलो मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं कभी ना हटूंगा, ना पीछे जाऊंगा, क्योंकि तेरे साथ मैं रहूंगा। हालेलुया। और पाँव को हिला और बोलो शैतान मेरे पैर के नीचे, शैतान मेरे पैर के नीचे। अरे ऐसे बोल रहे हो, शैतान भी नहीं दबेगा ऐसा, तुम चिल्लो तो सब बोलो ना उसको, शैतान मेरे पैर के नीचे है, शैतान मेरे पैर के नीचे है, मेरे सर पर नहीं है, मेरे सर पर नहीं है। अभी घर से जाने के बाद वापस शाम को सर कर रही बैठ जाइए। हालेलुया। 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 क्योंकि क्योंकि इसने पुकारना बंद नहीं किया। क्या करना नहीं बंद किया? पुकारना। क्या करना बंद नहीं किया? पुकारना। पुकारना बहुत जरूरी है। आगे देखो क्या किया उसने। हाँ क्या बोला देखो, यीशु मसीह के कान में आवाज गया, पक्का गया, एक बार बोला नहीं गया, दूसरी बार बोला नहीं गया, तीसरी बार बोला पक्का गया। हम बोलते एक बार प्रार्थना किया नो आंसर, दूसरी बार प्रार्थना करते नो आंसर, तीसरी बार प्रार्थना करते नो आंसर, थक जाते, लेकिन धाड़स नहीं बांधते, विश्वास नहीं रखते कि मेरी पुकार को सुनने वाला प्रभु मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। उसने धाड़स बांधा पूरी रीति से और यीशु ने बोला उसको ले आओ। क्या बोला? ले आओ। क्या बोला? उसको ले आओ। उसको ले आओ। हाँ क्या हुआ आगे पढ़िए। लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा, हाँ हाँ अपना कपड़ा फेंक कर, देखो क्या किया पहला उसने, क्या फेंका, क्या फेंका, कपड़ा। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बहुत 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 अच्छा है, अभी आगे आगे बहुत अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रभु कह रहे अच्छा बहुत अच्छे तरह से बात करने वाला। और यीशु ने उसके पास आया। हाँ इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? हाँ क्या बोला? एक मिनट रुके रुके बैठ रुके, क्या बोला? तू क्या चाहता है? हमारे हमारे प्रभु हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित है, और हमें पूछता है क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? प्रभु छोटा सा घर दीजिए, प्रभु मेरे बच्चे को नौकरी दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए। अरे ये क्यों मांग रहे हो? प्रभु बोलता है वो मांगो जिसके पास मांगो, उसके लिए मांगो कि प्रभु मेरे बाजू वाला या मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, मैं उसके लिए मांगता हूँ ताकि उसके जीवन में कार्य हो। जब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु हमारे लिए आशीष को। एक दिन मेरा दांत को बहुत दर्द हो रहा था, सुनो भाई बहुत दर्द हो रहा था, मैं ये मेडिसिन डाल वो करा कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा बोला
तू खुद को बहुत शाला समझता है, डॉक्टर बनता है, किसी के लिए तो प्रार्थना कर। सचमुच मैं प्रार्थना किया घुटने के बुलाकर, और प्रभु को बोला जिसके भी दांत में दर्द होगा, या बच्चे होगा, बूढ़ा होगा, सिस्टर होगा, भाई होगा, बहन होगा, उसको चंगाई दे प्रभु। और आमीन बोला। सेकंड, एक सेकंड में मेरे दांत का दर्द, मैं हो सकता होता है, हो सकता नहीं बोलता, होता है, होता है, क्योंकि प्रभु में हा और हा है, नो शब्द नहीं है। Yes. है कि लो शब्द yes. निकाल दिया, डिक्शनरी से निकाल दिया, हकार लिया, शैतान में निकाल दिया ना, वो नो 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 करता था, नहीं होगा नहीं होगा, अरे फल खा कुछ नहीं होगा, ऐसे क्या, लेकिन नो शब्द निकाल दिया, यस और यस है, इसको बुलाया, इसने धारा बांधा और उसको बोला मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, आज यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे लिए बोल रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारा जवाब क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए हमारा जवाब, बोलिए, गर्म ज्यादा हो रहा है तो भी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्या जवाब होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे तेरे लिए यूज कर, प्रभु मैं यहां हूं तेरे लिए क्या करना कर ले, क्योंकि ये शरीर प्राण आत्मा तेरा है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे सामने है और मुझे बोल रहा है। बोलता है वचन हमारे साथ बात करता है, जीवित है कि नहीं, है कि नहीं, आगे पढ़िए। देखो उसने कुछ मांगा, उसका धंधा क्या था, क्या था, आदत होती है भी हो। मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो गुस्सा मत हो जाए, बहुत बार होता है, आज जाएगी थोड़ा आटा दो ना लेके आएगी, कल दूसरे दिन वापस जाएगी, थोड़ा कुछ दो ना, मांगने की आदत। हालेलुया, इसने बोला तुझे क्या चाहिए, उसने बोला प्रभु, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मुझे सिर्फ क्या दे, ताकि मैं तेरा उद्धार को दे सकूं, जो तू जो है मैं देख सकूं। ये कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अंधे को आंखें दे सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, लंगड़े को पैर दे सकता है, कैंसर को ठीक कर सकता है, और मलेरिया को निकाल सकता है, एड्स को निकाल सकता है, ऐसा कौन है, मैं उसे देखना चाहता। हालेलुया, कितना महान कार्य वहां पर दिखाई देगा, सिर्फ इमेज करो, इमेज यीशु मसीह सामने और उसके सामने कहता है क्या चाहिए। उसने कपड़ा फेंका, मैंने बोला था उसके बारे में बताइए, कपड़ा क्या कर दिया, फेंक दिया। जब तक हम हमारे पापों को निकाल कर फेंक नहीं देते, तब तक हमें आशीष और प्रभु हमसे पाप नहीं करते, पाप भरे हुए, प्रभु हे मेरे राजा, हे मेरे पिता, हे मेरे राजा, राजा और अब्बा पिता, इधर पाप भरा। उसने अपने कपड़े को फेंका, उस कपड़े को उसने बांस क्या होगा वो कुछ है, जिसने फेंका एक कटोरी वो भी फेंका। यीशु बोला क्या चाहिए, बोल। आज यहाँ पर मैं बोलता हूँ, फिर से कहता हूँ, प्रभु से तुम मांगोगे ना आज जिस जगह पर, वो आज यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन में भर भर कर आशीर्वाद। वो ऐसा प्रभु है जिसने सारे चीजों को बाजू में रखा और केवल तुम्हारे और मेरे लिए कुछ उठाया, तुम्हारे और मेरे लिए उन 40 कोड़ों का मार सहा, चुप रहा। जब वो प्रार्थना करने बैठा ना, वो पसीना पसीना लहू के तला बहेगा था, इतना व्याकुल हुआ, और एक ही बोला पिता अगर तेरी इच्छा है, ये उसको मालूम था ये दर्द मुझे सहन नहीं होगा, ये दर्द केवल तुम्हारा मेरे लिए लिया, उसने वो लहू तुम्हारा मेरे लिए लाया, क्योंकि ये हाथ हमारे पाप करते थे, हमारे दिमाग से विभिन्न प्रकार के विचार करते थे, हमारे पैर गंदे मार्ग पर चलते थे, इसलिए प्रभु ने सब कुछ तुम्हारा मेरे लिए किया,
चुप रहा। हालेलुया। और क्या कहा, पहला शब्द क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे जानते हैं। और हमें सतावना थोड़ा भी आ जाता है ना, टेंशन हो जाता है, हाइपर हो जाते है ना। ऐसा नहीं होना, जो हमारा प्रभु उसने स्वयं किया वो प्रभु हमारे सामने खड़ा रहकर बोलते हैं क्या क्या दे। हालेलुया हालेलुया। और उसने बोला मुझे क्या दे, क्या किया यीशु मसीह, जा बोला अहमदाबाद में मस्त सर्जिकल है, उस डॉक्टर के पास जाके पहले एक्सरे निकाल के ला, जा डॉक्टर का इंजेक्शन ले उधर, ऐसा बोला नहीं। क्या किया यीशु ने उससे कहा, चला जा तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ किया। हालेलुया जा। हालेलुया। क्या कहा, तेरे विश्वास से, ऐसा बोलो मेरे विश्वास से, मेरे विश्वास से, आगे बोलो मुझे चंगा किया, मुझे चंगा, मुझे दौलत दिया, मुझे सब कुछ दिया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आगे 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 जल्दी, विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया और वह तुरंत देखने लगा। हाँ तुरंत देखने लगा, टाइम लगा नहीं, नहीं वक्त लगा नहीं, क्योंकि कौन था उसके साथ, अरे बोलो भाई, अरे मुंह खोलो भाई, अरे मुंह खोलो भाई, अरे बच्चे मुंह खोलो, किसने जो यीशु मसीह हमारा, हालेलुया। वो यीशु मसीह ने उसको बोला जा तेरे विश्वास से तुझे, ये तड़प उसकी, उसकी आस, उसका जो तड़पना पन प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसको बोला जा तेरे विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं लगा, लगा बोला जा मेरे को पहनने वाले बहुत काम है, बहुत चंगाई देना है। हालेलुया। जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। अच्छा चंगाई होने के बाद क्या हुआ मालूम है, आके देखो देखने लगा किसके पीछे, और वो सेल्फी नहीं था, सॉरी सेल्फीज नहीं था, सॉरी सेल्फीज नहीं था, ना ही वो स्वार्थी था, जिसने मुझे चंगा दिया उसको मैंने देखा है, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, एक भाषांतर वैसे लिखा है, वो नाचते कूदते प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो नाचते कूदते, नाचते कूदते यीशु के पीछे चलने लगा। हम कितना नाचते प्रभु के लिए, ऐसा भी नहीं नाचते, नाचो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। किसके लिए नाच रहे हम, प्रभु के लिए, किसके लिए नाच रहे हम, प्रभु के लिए। हालेलुया। दाऊद राजा था, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, उसने देखा ना प्रजा है कुछ है को कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा प्रभु मेरा राजा इसी में नाच रही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घर में कभी नाचो, कभी बच्चे के साथ नाचो, कभी पति आते तो बोलो हाय हाउ आर यू, नाचो थोड़ा उनके साथ, कौन सा गाने में नाचो ना, अरे मुक्ति दिलाई यसुना, शांति दिलाई यसुना, अरे बोलो बोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पति भूलेगा क्यों हो गए, सुबह तो ऐसा नहीं था, ये शाम को क्या हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये भूलेगा कुछ तो भी अलग ही हो गए, वो दूसरे दिन आएगा और फिर आने के बाद पति का हाथ पकड़ेगा। अरे वाह बहुत खुश हो रहे यार, पत्नी का हाथ पकड़ेगा, बोलेगा अरे आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में, पत्नी बोलेगी वाह वाह बहुत अच्छा आनंद है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। वो तो हमारा हमारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है, कभी कभी मत बिगड़ो, बिगड़ने मत दो। हमने अभी बोला सैतान हमारे किधर है, रोज मत बोलो उसको पैर के नीचे पैर के नीचे, एक दफे आएगा सर के ऊपर, एक दफे मार दो उसको, मार दिया उसको वो खत्म है, अभी उसको चलने भी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कर देखे नीचे को चोरी कर दी, बोले जा रही बोल रहा क्या रे जाता क्या नहीं, मेरे बाप के नाम से निकाल देगा बोल रहा, ऐसा ही बोल लेगा। हमारे मुंबई के भाषा में बोलते जाता है क्या, नहीं रे क्या दे दू तेरे को दो पांच,
बच्चे पानी। हालेलुया, ये प्रभु के लिए करना है। और उसने बोला जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा हो जाए। हालेलुया। घर में माहौल अगर आनंदित करना है तो ये करो, बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज भी है और जीवन भी सुखी हो जाएगा। इधर से भी नहीं आएगा, इधर से भी नहीं आएगा, चांस ही नहीं किधर से भी, क्योंकि इधर से आनंद दे, इधर मुक्ति दे, कैसे जाएगा? अरे मुक्ति दाता भी है, आनंद भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सारा परिवार मिलकर बोलेंगे, यीशु के संग जाएंगे हम, यीशु के संग जाएंगे हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो गया क्या? नहीं, इसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, हमारा जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया। अगर आज तक हमारा बदला जीवन नहीं है, यहाँ पर झांक कर देखो और कहो कि प्रभु सच में मेरे कुछ रखाओ, मुझे निकालना, निकाल दो, और निकालने के बाद देखो तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। दो बात बोल के खत्म करेगा। उसने जब यीशु मसीह ने चंगा दिया, उसकी आंखें आ गई, उसने थोड़ा रुका होगा मेरे अंदर से, उसने अपनी जगह को दी। जगह के ऊपर जाने के बाद उसने पहले अपने नाक दबाया, नाक दबाया, क्यों बोला गया? आपके मिल गया, स्वर्ग का राज मिल गया, प्रभु मिल गया। उसको मालूम नहीं था गंदगी क्या है, और उसी गंदगी में बचपन से बैठा था। जब हम प्रभु में आते ना, तो हमारा सारा गंदगी फेंक दे, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए सब बातें नहीं है, और नया जीवन जीवन जीना है, पुराना जीवन छोड़ देना है, नया जीवन से प्रभु के राज में चलना है, तो हमारे जीवन में बहुत अधिक आशीष है। उसने वो कटोरी को देखा, रे बाप रे, इस कटोरी में, इसी कटोरी में मैं भीख मांगता था, इसी कटोरी में खाता था, इसी कटोरी में मैं पीता था। जब हम प्राप्त छोड़ देते ना, कभी कभार बहुत से लोग सिगरेट छोड़ देते ना, अरे बाप रे ये कितना सिगरेट पीता है, इसका छाती मर जाएगा ये जल्दी, है ना, ये पूरा पिंजरा हो जाएगा, अरे बाबा क्यों पीता है? अब वो पहला पीता था तब इसको मालूम नहीं पड़ता था। शराब पीता था, जब हम छोड़ते हैं तो कुछ नया मिलता है। जब तक पुराने बातों को हम नहीं छोड़ते, तब तक नई बात हमें नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह की जय। आज अगर हमने इस जगह पर कुछ रखा है, क्या करना है, क्या करना है, निकालना, तो निकालेंगे ना आज रात को, तो रात को अच्छी नींद आएगी, और ऐसे नींद में प्रभु तुम्हें दुष्टता देगा। वाओ, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग के राज देख रहा हूँ। हालेलुया, दूतों को देख रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति कर रहे। हालेलुया, और अच्छे अच्छे दिन प्रभु तुम्हें देते रहेगा, और तुम्हारे जीवन का और फ्यूचर का, तुम्हारे वाइफ का, तुम्हारे पति का, तुम्हारे पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का, इतना ब्राइट जीवन होगा वो तुमने कभी देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं, हास्य हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। रुको यहाँ पर, तो रुकना नहीं चाहते लोग, लेकिन मुझे रुकना है, चलेगा, चलेगा, रुकना है, क्योंकि कल भी मीटिंग है, परसों भी मीटिंग है, और उसमें प्रभु बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया, कल के मीटिंग में बहुत कुछ करने वाला है, आज भी यहाँ पर करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे विचारों को बदलो, सोच को बदलो, विचारों को बदलो, तो प्रभु सब कुछ करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहाँ पर जितने बहन लोग बैठे हैं उनको पहला कहता हूँ, सर्जन अभी तुम्हारे पास कान में आकर कुछ कुछ नहीं करेगा, खाओ तो कुछ नहीं होगा, बल खाओ तो कुछ नहीं होगा, उसको बोलो तुम्हारा हुआ है, चल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार कान भरते ना, पोती की पोती जाओ, देखा था मैंने, कोई तो भी आके तुमको, है ना। हालेलुया, वो सब छोड़ दो और सिर्फ लक्ष्य देखो, मेरा प्रभु जल्दी आ गया, मुझे उसका स्वागत करने के लिए मुझे तैयार होना है। मैं तैयार होगा तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पति हो गया ना उद्धार पाए, मैं उसका तंगड़ी पकड़ के ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होने वाला है।
नहीं मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना करती है बहुत होलीनेस से वो जाएगी तो मैं भी जाएगी उसका तंगड़ी पकड़ने के लिए मिलेगा तो तब ना रैप्चर में वो पार्टी से निकल जाएगी तो किधर देखते रहेगा उसका रैप्चर में निकल जाएगा कोई भी तो मालूम पड़ेगा मैं इधर बैठा हूँ मेरा कपड़ा ही निकल जाएगा बाकी सब ब्रदर गए हालेलुया ये रैप्चर होने में हालेलुया इसके लिए खुद को तैयार करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शादी में जाते कितना डन 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 ओ पति बोलता है भाई 7 बज गए 8 बजे फंक्शन है अरे थोड़ा रह गया रुको हाँ थोड़ा रह गया अरे एक 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 इतना इधर इधर डाल कितना सजावट कर देता और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु वो आने वाला है उसके लिए हमें तैयारी करना आमीन और ऐसी तैयारी हटके तैयारी करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अपने चरित्र को बदलो विचारों को बदलो क्योंकि प्रभु के दृष्टि में तुम बहुत ही मोलवान अनमोल हो बहुत बहुत अनमोल हो और उसको गमाओ नहीं सैतान के हाथ को इसे हरा हुआ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक बार बोलो यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय ऐसे आवाज हर आपके दौरान प्रेज द लॉर्ड दीवारें हिलने चाहिए बाजी को लोगों का उद्धार होना चाहिए ए लास्ट और एक बात बोलता हूँ ये दीवार को कोई तो नहीं रहता ना उसके घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हालेलुया होगा क्या नहीं होगा होगा हो गया हालेलुया यीशु के नाम से तुम जो भी कुछ मांगोगे वो मिल गया ऐसा क्या करो विश्वास मिल गया ऐसा बोलो मिल गया मिल गया खड़े हो जाए आइए हम प्रार्थना करेंगे शाबाश 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 शाबाश